आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन इज सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इक्वेशन सेटअप करना है, उसके बाद अननोन नंबर्स जो है उनका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज एड 4 टू द 8 टाइम्स अ नंबर, यू गेट 60। तो मान लिया नंबर इज एक्स, तो एड 4 टू 8 टाइम्स द नंबर, यानी नंबर का 8 टाइम्स किया, 8 प्लस 8 इंटू एक्स, 8x प्लस 4 किया, यू विल गेट 60। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू 60, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, 60 माइनस 4 या 56। 8 को भी ट्रांसपोज किया तो इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 56 अपॉन 8 या 7, तो नंबर हमारा होगा 7। इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसका, 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3। तो मान लिया नंबर इज x, तो 1/5 ऑफ अ नंबर यानी x अपॉन 5, 1/5 हो गया नंबर का, माइनस 4 गिव्स 3, ये इक्वेशन हो गया हमारा। 4 को ट्रांसपोज किया तो ये होगा 3 प्लस 4 7, 5 को भी ट्रांसपोज किया तो यहाँ डिवाइड में तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35, तो नंबर हमारा होगा 35। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है इसका, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। तो नंबर x अगर है तो 3/4 ऑफ x यानी 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 21, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। 3 को ट्रांसपोज किया, 21 माइनस 3 18, 3 बाई 4 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो 18 इंटू 4 बाई 3, 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 4 24, तो नंबर विल बी 24। इसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो नंबर अगर एक्स है तो किसी नंबर के ट्वाइस से यानी 2x से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 15। तो ये इक्वेशन बना, 11 को ट्रांसपोज किया तो 11 15 प्लस 11 26, 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो 26 अपॉन 2 एक्स की वैल्यू आएगी या 13, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा 13। इसके बाद ई पार्ट है हमारा कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो मान लिया मुन्ना के पास एक्स नोटबुक्स हैं तो उसका 3 टाइम्स यानी 3x को 50 से माइनस किया, देन ही विल गेट 8। माइनस 3x 50 को ट्रांसपोज किया तो 8 माइनस 50 या माइनस 42, माइनस 3 को भी ट्रांसपोज किया तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा 14, 14 टाइम्स 42, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 14, यानी मुन्ना के पास x नोटबुक्स थी यानी 14 नोटबुक्स थी। इसके बाद f पार्ट है कि इब्ने हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर If c adds 19 to it and divides the sum by 5, he will get 8. तो नंबर अगर x है उसमें 19 उसने ऐड किया और पूरे नंबर को 5 से डिवाइड किया, he will get 8. तो x plus 19 whole upon 5 equal to 8. 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ट्रांसपोज किया तो 8 into 5 40. तो 19 को भी ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू हमारी आएगी 40 माइनस 19 या 21. तो नंबर हमारा होगा 21. इसके बाद g पार्ट है, अनवर्ट थिंग्स ऑफ अ नंबर If he takes away 7 from 5 by 2 of the number obtained is 23. तो 5 by 2 x, इससे 7 माइनस किया यानी माइनस 7 इक्वल टू 23, ये हमारा होगा। 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो 23 प्लस 7 हो जाएगा 30, 5 by 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आकर के 2 by 5 हो जाएगा, 5 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा 30, तो x की वैल्यू आएगी 6 इंटू 2 12, यानी नंबर हमारा होगा 12। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो मान लिया लोएस्ट मार्क्स या लोएस्ट स्कोर है एक्स, तो हाईएस्ट स्कोर होगा 2x प्लस 7 और हाईएस्ट स्कोर दिया 87 यानी 2x प्लस 7 इक्वल टू 87, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को ट्रांसपोज किया तो 87 माइनस 7 80 और x को भी
के साथ 2 है तो 2 को ट्रांसपोज किया, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू होगा 80 अपॉन 2 या 40, तो लोएस्ट स्कोर विल बी 40. सेकेंड पार्ट इज इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो व्हाट आइसोसेलस ट्राइंगल दिया है तो बेस एंगल्स मान लिए x और x, वर्टेक्स एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी x प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस x होगा 2x प्लस 40 इक्वल टू 180, 40 को ट्रांसपोज किया तो 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री, और 2 को भी ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू आएगी 140 अपॉन 2 या 70 डिग्री, यानी ईच बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलस ट्राइंगल विल बी ऑफ मेजर 70 डिग्री. यही हमें निकालना था. नेक्स्ट इज पार्ट सी. सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर. तो मान लिया राहुल का स्कोर है x रन, तो सचिन का स्कोर होगा उसका दुगना यानी 2x रन, और उनके दोनों के रन मिला करके यानी x प्लस 2x, ये 2 डबल सेंचुरी से 2 कम है यानी 200 से 2 माइनस कर दें यानी 198, तो x प्लस 2x इक्वल टू होगा 3x, 3x इक्वल टू 198, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. x की वैल्यू आएगी 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 198 अपॉन 3 यानी 66. इसलिए सचिन राहुल का स्कोर होगा x यानी 66 रन, और सचिन का स्कोर होगा 2x यानी 2 इंटू 66 यानी 132 रन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट है. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज. इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव. तो मान लिया नंबर ऑफ परमीत मार्बल है x, तो इरफान के मार्बल्स होंगे 5 टाइम्स x यानी 5x प्लस 7, और इसकी वैल्यू दी गई है 37 यानी 5x प्लस 37, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो 5x इक्वल टू 37 माइनस 7 या 30, 5 को भी ट्रांसपोज किया तो x विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 5 या 6, तो नंबर ऑफ परमीत हैज परमीत मार्बल्स विल बी 6. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज. तो मान लिया लक्ष्मी की एज है x ईयर्स, तो एज ऑफ लक्ष्मीज फादर इज 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज प्लस 4 यानी 3x प्लस 4 होगी. तो इसलिए जबकि गिवन है कि लक्ष्मी के फादर की एज है 49 ईयर्स यानी 3x प्लस 4 इक्वल टू 49, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. तो यहाँ से 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3x इक्वल टू होगा 49 माइनस 4 या 45, इसके बाद x को भी ट्रांस x के साथ 3 है, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू होगा 45 अपॉन 3 या 15, यानी लक्ष्मी की एज होगी 15 ईयर्स जो कि हमें निकालनी थी. नेक्स्ट इज पार्ट 3rd. पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, व्हाट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77. तो मान लिया कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड ये है x, तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज ये हमारा होगा 3 टाइम्स x और प्लस 2, जबकि गिवन है कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज ये प्लांटेड है 77 यानी 3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 77, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 77 माइनस 2 हो जाएगा यानी 75, इसके बाद 3x है तो x के साथ 3 को भी ट्रांसपोज किया तो x इक्वल टू होगा 75 अपॉन 3 या 25, यानी नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड विल बी 25. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. तो रिडल गिवन है कि आई एम अ नंबर, टेल मी टेल माय आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40. तो एक नंबर गिवन है, मान लिया नंबर इज x, तो 7 टाइम्स नंबर का हमने किया, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड 50 यानी 7 टाइम्स x प्लस 50, इसके बाद भी यू नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी होने के लिए 40 फिर भी चाहिए उसको, यानी 300 में से 40 कम है वो, यानी 300 माइनस 40 के बराबर होगा. तो 7x प्लस 50 इक्वल टू हमारा होगा 260, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 50 को ट्रांसपोज किया तो 7x इक्वल टू होगा 260 माइनस 50 या 210, इसके बाद 7 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 210 अपॉन 7 या 30, तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 30. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ये भी कंप्लीट करेंगे.